गाइज वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। सो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही टेस्टी चिकन सैंडविच की रेसिपी। अभी ये टेस्टी होगा कि नहीं ये तो खाने के बाद ही पता चलेगा। और शेफ हमेशा की तरह रामू लाइफ। इंग्रेडिएंट्स घर में दो तरह की सब्जी थी, प्याज और कैप्सिकम। वो चिकन कर्ड मेयो, तंदूरी मेयो, बटर, क्या है, हल्दी और pepper, salt and bread obviously. So guys, सबसे पहले 200 grams boneless chicken को हम boil कर लेंगे। Chicken almost boil हो गया है, so अभी yes हो गया। So chicken boil होने के बाद अब command संभाल रही है रितिका मैडम। So रितिका अब क्या होने वाला आगे? अभी chicken ठंडा हो रहा है, तब तक हम लोग veggie sauté करेंगे। क्या क्या करना पड़ता है पति के लिए? बहुत ही तो क्यों, जब होटल में जब चिली चिकन मिलता है और लॉलीपॉप मिलता है उस पर कौन? गाइस ये उस ये जो आपको दिख रही है ये शैतान लड़की होटल में जाके मेरे चिली चिकन और चिकन लॉलीपॉप का कवर सब वो खोल के खा लेती है। तो अब जो बटर है उसमें गया है अनियंस एंड कैप्सिकम, तो इसको सॉटे करेंगे पहले। देखो शेफ से ज्यादा तो मेरे को आता है। सो गाइस चिकन बॉईल होने के बाद वेजी सॉटे हो रहे, साथ में मैं क्या कर रहा हूँ चिकन को श्रेड कर दे रहा हूँ ताकि सैंडविच में डालना इजी रहेगा। इस वेजीज थोड़े से सॉटे हो गए, इसमें हल्का सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, यू कैन ऐड फ्रेश जिंजर गार्लिक एज वेल, अभी है नहीं तो आई एम एडिंग पेस्ट। इसमें थोड़ा सा एज पर टेस्ट सॉल्ट, बिट ऑफ हल्दी, हल्का सा रेड चिली पाउडर, पेपर यू कैन ऐड थोड़ा अच्छे से, इसको बस 2-3 मिनट्स के लिए हम लोग सॉटे करेंगे। एंड गाइस लिटिल बिट ऑफ कर्ड, जस्ट थोड़ा सा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एडिंग श्रेडेड चिकन टू दिस। जो फाइनली देख के तो लग रहा है कि कुछ बन सकता है अच्छा इसका। गाइस अभी थोड़ी देर में आप लोगों को पता चल जाएगा ये कैसा बनेगा। अब गाइस हम चिकन को थोड़ी देर के लिए फ्राई होने देंगे, फ्राई मतलब पैन सॉटे होने देंगे। तो इसको करीब 5-10 मिनट्स हम थोड़ा सॉटे करेंगे। आप इसको मूव करते रह सकते हो ताकि इवनली ये थोड़ा पैन फ्राई हो जाए। सो गाइस चिकन सॉटे होके रेडी है, इसको थोड़ा ज़्यादा सॉटे कर दिया है तो क्योंकि मेरे को थोड़ा स्मोकी फ्लेवर पसंद है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको सॉटे कर सकते हो। एंड यहाँ पे अनियंस एंड टमेटोज को थोड़ा स्लाइस कर लिया है, इसको भी हम सैंडविच में यूज़ करने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट ये रेडी है, इट्स अ वेरी क्विक ईजी रेसिपी, इट हार्डली टेक्स अराउंड 10-15 मिनट्स लगेगा आपको मैक्स टू मैक्स। 4 स्लाइसेस ऑफ ब्राउन ब्रेड लिया है मैंने एंड साथ में ये तंदूरी मेयो, कोई भी मेयोनीज आप यूज कर सकते हैं, अभी घर पे यही है तो आई एम यूजिंग दिस, मेरे को ये बहुत पसंद है। करेक्ट गाइज। एंड गाइज एक अप्रॉक्स आप इसको भी कैलोरीज में ऐड कर लेना, ऐसा नहीं इसमें भी कैलोरीज होते हैं तो आप मेजर कर लेना इसको यूज करने के पहले। गाइज इसमें मैंने लिया है 15 grams, सो आप अपने कैलोरीज के हिसाब से ले सकते हो, आपको जितना चाहिए जो भी आप करोगे ऐड कर लेना। क्या है कंजूसी में क्यों लगा रही हो, थोड़ा और प्याज डालो। अरे यार बंद नहीं होगा, गिर जाएगा सब। अब वक्त है इसे ग्रिल करने का, तो थोड़ा सा बटर में ये सैंडविच। गाइस आप टोस्टर यूज करके भी कर सकते हो इसको, कैसे भी ग्रिल होना चाहिए, पर्पस सॉल्व होना चाहिए, बस हो गया। सो
तो ये ऑलमोस्ट ग्रिल हो गया है। ये खा सकते हैं अब। यस गाइस, लुक्स पे मत जाइए, हो सकता होगा कि ये सैंडविच इतना अपीलिंग नहीं लग रहा होगा, लेकिन लुक्स कैन बी डिसेप्टिव, अभी खाकर पता चलेगा। तो गाइस, थोड़ा सा केचप फॉर द टेस्ट एंड टाटा, रेडी चिकन सैंडविच। कितना टाइम लगा? हार्डली 10 मिनट्स, 10-15 मिनट्स। सो गाइस, चिकन सैंडविच इज़ रेडी। अब चलते, भूख भी लगी है, तो चलते एंजॉय करते चिकन सैंडविच। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, आप भी ट्राई करना और हमें बताना। सो गाइस, मेरा टेस्ट हो रहा है, विष्णु भी खा के बताएगा। सही बताना, ठीक है, कैमरा में है इसलिए झूठ नहीं। अच्छा है चेंज के लिए, लाइक हमेशा बिरयानी राइस और चिकन खा कर के बोर हो गया, तो इसीलिए आज मेरे को राइस खाने का मन नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चिकन और राइस के बिरयानी बनाने के बदले जितना भी चिकन है उसको यूज़ कर लूँ ये सैंडविच बनाने में। तो रितिका ने बोला कि ही हेल्प मी आउट। रितिका ने बोला था कि सैंडविच बना देंगे हम तुम्हारे लिए। हे गाइस, सो एक दो दिनों से हम कुछ ऐसा दिन भर का व्लॉग आप लोगों के लिए शूट कर नहीं पा रहे, क्योंकि हम एक्चुअली में लिटरली कुछ चीज़ों में कुछ है काम जो आपको सुन जल्दी बताएंगे, हम काम में इन्वॉल्व थे। होपफुली आपको आज का जो क्विक हमने चिकन सैंडविच का रेसिपी बताया है वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड मेरे को एंड रितिका को दोनों को इंस्टाग्राम में फॉलो करिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो गाइस, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। होपफुली कल हम अपने पूरे दिन का शूट करेंगे सब कुछ। सो मिलते हैं कल, बाय बाय।